आज हम सब क्रमशः आगे बढ़ेंगे और आज के प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा। अगर आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि रूर बेसिन में प्रसिद्ध जो औद्योगिक क्षेत्र है किसके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी लोग कॉपी कलम लेकर रखेंगे तो साथ में जो महत्वपूर्ण की पॉइंट उसे नोट डाउन भी करते चलेंगे। तो रूर बेसिन प्रसिद्ध किसके लिए, चीन, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, किसके लिए? तो यहाँ पर प्रश्न का सभी को जवाब जरूर देना चाहिए जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर। जी हाँ, चीन, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम। देखिए, रूर एक क्षेत्र है, वह क्षेत्र कहाँ पर है, वो जर्मनी में है। मैंने जिन साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है उनके जवाब सही है। ये कहाँ पर है, ये जर्मनी व फ्रांस फ्रांस की सीमा पर है, ठीक है। और एक कोयला आधारित उद्योग है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कोयला आधारित एक उद्योग है, ठीक है। तो आप लोगों को शायद पता हो गया होगा ये कैसा है, ये कोयला आधारित एक उद्योग है जहाँ पे काफ़ी मात्रा में लौह उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, वो बीस का राइट आंसर है। चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जवाब जल्दी जल्दी देंगे, सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं आप लोग, सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, ये विश्व भूगोल की एनसीईआरटी सीरीज है आपके लिए। अगर मैं यहाँ पे बात करें 2011 के अनुसार तो कतर में 99%, अगर हम कुवैत की बात करें तो कुवैत में लगभग 98% नगरीकृत है। उसके बाद इसराइल में 91.8% लगभग 92 के रिपोर्ट है। अगर वीडियो साफ नहीं दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा, ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर दोनों पर निशुल्क लाइव चल रहा है। यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कतर, माने सी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है, सर्वाधिक नगरीकृत देश एशिया का, वो है कतर। एक सवाल मेरा आपसे है, कतर की राजधानी क्या है? जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं कि इजराइल की कतर की राजधानी क्या है, इजराइल की। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व का एक तिहाई से अधिक कच्चे इस्पात का उत्पादन कहाँ से प्राप्त होता है? जल्दी नहीं फटाफट कमेंट करके बताइए, चीन से, जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जल्दी नहीं कमेंट करिएगा और बताइएगा। यार वीडियो को नहीं शेयर कर पा रहे, नहीं लाइक कर पा रहे तो कम से कम जवाब तो दिया करिए, त्वरित जवाब दिया करिए जो लोग लाइव देख रहे हैं। चलिए, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें और आप भी देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा चीन। इस प्रश्न का सही चीन आता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर ब्राजील है, भारत है, रूस है। इस स्थान पर भारत चौथे पर है, ठीक है। चीन है, चीन के बाद ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, भारत है, रशिया है। अगला आपके सामने, यहाँ पे मिलान करना है, मैं चाहूँगा जल्दी जल्दी आप मिलान करें और आगे बढ़े। हैमिल्टन, यहाँ पे एक तरफ लौह इस्पात केंद्र है और दूसरी तरफ देश है। हैमिल्टन कहाँ पे है, कनाडा पे, रट लीजिए, एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है। हैमिल्टन कहाँ पे है, कनाडा में। दूसरा वर्गिम, वर्गिम कहाँ, यूनाइटेड किंगडम में है। एसन कहाँ पे है, जर्मनी। अनसॉन, चीन। तो ये आप लोग को याद है ना, तो ई लर्निंग के तरीके से अगर आपने नोट्स पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपको ये पूरी तरह से याद होगा। अब इसका विकल्प क्या होगा आप मिलान जान जाइए, और विकल्प जो भी हो आप कर सकते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक, हीरा माने गोल्ड, हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? साथी लाइव देख रहे हैं, जवाब जरूर देंगे। ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, रूस, बोत्सवाना, बताइए क्या होगा। हीरे के ऐसे तीन प्रकार के होते हैं अगर भौगोलिक स्थितियों में देखें, तीन, एक किम्बरलाइट पाइप होता है, कांग्लोमरेट बेट्स होता है, एल्बुरिक गैब्रेला होता है। विश्व में हीरे के सबसे ज़्यादा उत्पादक पहले पे कौन है, पता है किसी को? अगर हम पहले की बात करें, सबसे ज़्यादा विश्व में हीरा सबसे ज़्यादा रूस पहले पर है, दूसरे पर बोत्सवाना, तीसरे पर कांगो, ठीक है। यहाँ पिछले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा, रूस के बाद बोत्सवाना, फिर कांगो, क्लियर। अगला है आपके सामने,
निम्नलिखित में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? जो भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पर जवाब जरूर देंगे। आज के सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर। निम्नलिखित में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? वेनेजुएला, सऊदी अरब, ईरान, इराक। बताइएगा जरा, अगर आवाज़ कहीं कटने लगे, वीडियो में कोई दिक्कत आ जाए तो तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। बताइए दीदी, कमेंट सेक्शन में जाइए। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर 266 का अगर आप लोगों को पता होगा तो वेनेजुएला होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। विश्व में चार शीर्ष जो हैं पेट्रोलियम के भंडार हैं, पहले पर वेनेजुएला है, दूसरे पर सऊदी अरब है, तीसरे पर इराक है, चौथे पर अगर देखें आप तो आपको क्या मिलेगा, कुवैत। ये भंडार में है पेट्रोलियम के भंडार में इनका है। अगर उत्पादन पूछा जाए तब उत्पादन में पहले पे कौन आता है, अगर उत्पादन में देख लिया जाए पहले पे सऊदी अरब है, दूसरे पे कौन आता है तब रूस, तीसरे पे कौन आएगा आपका अमेरिका, चौथे पर ईरान। याद रखिएगा एक भंडार है और एक दूसरा उत्पादन में, ठीक है। मतलब यहां दोनों बात याद रखिएगा, ये भंडार में है ये उत्पाद में है। तो कुछ लोग को पढ़े होंगे तो आप लोगों को लगा होगा या दुर्गेश ने इसके पहले ये बताया था, आज ये बता रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आज की क्लास की जगह आपको ये इसलिए मिला क्योंकि वो अगले दिन मिल जाएगा, ठीक है। क्लास चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट हो गया। अगला सवाल, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? जॉर्जिया, गैम्बिया, घाना, ग्वाटेमाला। देखिए अगर मूंगफली की उत्पत्ति देखा जाए, अगर इसकी उत्पत्ति अगर हम लोग देखें उत्पत्ति, तो ये दक्षिण अमेरिका में है। अब आपको थोड़ा सा रास्ता मिल गया होगा, निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश इसमें है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में अगर आप देखें तो आलू, शकरकंद, सिनकोना, रबड़, तंबाकू, कोको, अनास, इन सभी का उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुआ है, लेकिन मूँगफली गैम्बिया की प्रमुख फसल है। कहाँ की? गैम्बिया की। मतलब जितने लोगों ने वो क्या होगा, बी, ठीक है। अरे टीटू भैया ऐसा नहीं है, मंजूरे वही होगा जो आप सबको होगा, क्योंकि वो सीरीज तैयार नहीं हो पाई थी ना, इसीलिए आपको ये सीरीज पढ़ाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से एक सही नहीं है, तीन सही है और एक सही नहीं है, तो जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइए। आज आप लोग वीडियो को शेयर मत करिएगा कि आज हम जल्दी से ख़त्म करेंगे आज। जी हाँ, ये महाभारत सीरीज जो चल रही है एनसीईआरटी की विश्व भूगोल, तो आज आप लोग शेयर मत करिए, केवल आज लोग पढ़िए क्योंकि क्लास जल्दी ख़त्म करेंगे हम, क्योंकि बस मजबूरी में आपकी क्लास ले रहे, सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे। देखिए यहाँ पर फुलानी, यहाँ पर एक तरह से जनजाति हम देखेंगे, ये आपकी जनजाति है, यहाँ पर ये जन जाति है, ये आपका देश है या स्थान कह सकते हैं, ठीक है। फुलानी जो है वो पश्चिम अफ्रीका में है, बंतू ये दिखा रहे हैं सहारा में, मसाई पूर्व अफ्रीका, नूबा सूडान। देखिए बंतू के बारे में आपको जरूर बताना चाहूँगा, यहाँ पे फुलानी लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, बंबू यहाँ पे बंतू दिया है, बंबू निग्रेटो जनजाति है, अफ्रीका के भूमध्य के भागों में रहते हैं, मसाई टागानिका केन्या पूर्वी युगांडा में पाए जाते हैं, ये घुमक्कड़ है पशुपालक के रूप में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका, जो गलत है यहाँ पे, वो बंतू सहारा है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
यहाँ पे यही गलत है और इसलिए यही इसका उत्तर बी होगा सही। अब थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे सवाल को। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल क्या है? सहारा, गोबी, थार, कालाहारी। यहाँ का जो प्रश्न का जनघनत्व है 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। अब बताइए जल्दी से जवाब क्या है। दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल क्या है? थार का मरुस्थल कहाँ पे है? भारत में है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। गोभी कहाँ है? सहारा डिजर्ट कहाँ है? ठीक है, चलते हैं हम एक और अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? सबसे पहले किसने अपनाया? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए। बताइए चलो फटाफट कमेंट करके। ब्राजील, यूएस, भारत, चीन, क्या होगा? थोड़ा जवाब जल्दी दीजिएगा क्योंकि आज हम क्लास बताएं आपसे पहले, जैसा कि हमने कहा। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम किसने अपनाया? आधिकारिक रूप से देखा जाए तो परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में भारत में शुरू कर दी गई थी। भारत पहला देश है दुनिया का जिसने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा सी। बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर गलत दिया, कुछ लोगों ने चीन बताया, लेकिन चीन यहाँ पे गलत है। 1952 में भारत ने शुरुआत कर दी थी। अगला है, यहाँ पे नदी है और ये आपका बांध है। पहली नदी है जो कोलोरेडो, यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको, मैं दिख दूँ, कोलोरेडो, कोलोरेडो नदी है। ये कोलोरेडो जो नदी है ये हुअर बांध कौन सा है? हुअर। उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पे एक टाइप नहीं हो पाया सही से, ये दामोदर नदी। दामोदर नदी पर जो बांध बना हुआ है वो पंचेथील है। उसके बाद आपकी जो है ये नील नदी है। नील नदी पर जो बांध बना है वो अश्वान है। फिर तीसरा है जाम्बेजी, जाम्बेजी नदी है। इस पर कैरिबा, कौन सा? कैरिबा बांध बना है। ठीक है, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग रख सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? जापान, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी यूनिक प्रश्न है। जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वे जवाब जरूर देंगे, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। देखिए कोई भी देश कुल निर्यात से प्राप्त धन का 2/3 चावल से नहीं प्राप्त करता, लेकिन इन सभी देशों में चावल के निर्यात का कुल निर्यात में प्रतिशत काफी कम है। देखिए यह प्रश्न थोड़ा सा गलत है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए चावल कहां पे निर्यात ज्यादा होता है तो म्यांमार है। वैसे ये प्रश्न पूरी तरह से गलत है, अस्पष्ट प्रश्न नहीं है, लेकिन फिलहाल मान लेते हैं अगर यहाँ पे न होता कुल निर्यात 2/3 चावल व्यापार, ये खाली अगर हटा दिया जाए, इतना हटा दिया जाए, तो इसका उत्तर म्यांमार होगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, विश्व की कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश कौन सा है? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी साथी चाहे से फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, हाँ म्यांमार की राजधानी नेपिता सही है। विश्व में कुल कहवा उत्पादन प्रतिशत दृष्टि शीर्षस्थ देश कौन सा है? बताइए जल्दी से। अगर जब विश्व कहवा उत्पादन में देखें तो ब्राजील आपका पहले पर है, माने बी वालों का जवाब सही है। दूसरे पर वियतनाम है, तीसरे पर इंडोनेशिया है,
इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प हो वो क्या होगा, बी इसका राइट आंसर है। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तीन है और एक नहीं है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइएगा आप लोग और कमेंट करके बताइए कौन सुमेलित नहीं है। लेकिन सभी लोग टेलीग्राम अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर फेसबुक पेज इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश। देखिए बोलिविया किसके लिए है, टीन के लिए, ब्राजील लवेस्क, मैक्सिको चांदी, पेरू। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका, शायद आप लोगों को पता होना चाहिए। पेरू विश्व में चांदी उत्पादक देश में पेरू है, मैक्सिको है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, इसका प्रमुख उत्पादक करता है। लेकिन पेरू नाइट्रेट, ये इसका जवाब गलत है। ठीक है चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ये गलत है और इसलिए इसका उत्तर आप लोग क्या लगाएंगे, डी सही उत्तर है। जो गलत है वही सही है। यहाँ पे एक सवाल है आपके सामने, एक तरफ कोयला है दूसरी तरफ संबंधित देश है। वीडियो आपको साफ दिख रहा होगा HD में, नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे तीन डॉट विंडो पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पे आपको ये बताना है डोनेट्स कोयला क्षेत्र कहाँ पे है, यूक्रेन में है। कुजनेटेस्क जो है ये आपका रूस में है। लंकाशायर यूके यूनाइटेड किंगडम, सार आपके जर्मनी में है। तो चाहे इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे क्वेश्चन पढ़िए जो आपने पहले नहीं पढ़ा, ऐसे प्रश्नों को मत पढ़िए जो बार बार आप पढ़ते हैं, जिनका उत्तर आपको पहले से पता हो। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का लाइव जवाब देंगे, चाहे से फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर जहां भी देख रहे हैं। अगर देखा जाए कि संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय से जो आर्थिक और सामाजिक रिपोर्ट जारी हुआ है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस, अगर उसके अनुसार देखा जाए इस प्रश्न का उत्तर आपका श्रीलंका होगा। क्या होगा, श्रीलंका इसका सही जवाब होगा। ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है, केप ऑफ गुड होप, पनामा नहर, स्वेज नहर, उत्तरी अटलांटिक। इसको हम लोगों ने बताया है और पढ़ाया भी, अगर आप लोग लगातार क्लास पढ़ रहे होंगे तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सही है, उत्तरी अटलांटिक, क्योंकि उत्तरी अमेरिका और एक तरह से देखा जाए उत्तरी अमेरिका है, वहीं पे उसके सामने पश्चिमी यूरोप है, फिर अफ्रीका वहाँ से भी नज़दीक पड़ता है, दक्षिण अमेरिका भी नज़दीक पड़ता है, इसलिए यहाँ पे चार महाद्वीप ऐसे हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी। जबकि यह यूरोप और अमेरिका के मध्य व्यापार का एक प्रमुख माध्यम भी है, अमेरिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के मध्य। निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम एस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है, कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है, कनाडा, चीन, पाकिस्तान, जैरे। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। चलिए ज्यादातर लोग के जवाब सही आ रहे हैं, कनाडा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ए राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जापान लगभग आत्मनिर्भर है, कमेंट करके बताइएगा। ऑनलाइन क्लास और नोट संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास आपके जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है। फेसबुक पेज इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। जापान का लगभग आत्मनिर्भर है, जापान लगभग आत्मनिर्भर है किस पे, बॉक्साइड, लौह अयस्क, तांबा, खनिज तेल। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, सी तांबे पर। जापान खनिज संसाधन दृष्टि से समृद्ध राष्ट्र नहीं है लेकिन तांबा उपलब्धता देखा जाए तो सीमित मात्रा में आत्मनिर्भर है। निम्नलिखित में से एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, दक्षिण एशिया की बात कर रहा है, केवल एशिया की बात नहीं कर रहा है, भारत, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान। बताइए
चलिए यहाँ पे इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा, नगर की अगर बात करें तो पाकिस्तान होगा, पहले पे आता है और दूसरे पर भारत आता है, ठीक है, तीसरे पर श्रीलंका, नहीं तीसरे पर भूटान है, तीसरे पर भूटान है, तीसरे पर भूटान, चौथे पर श्रीलंका, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम जानते हैं, यह है अवरोही क्रम, ठीक है। 281 नंबर प्रश्न है, देखिए इसमें है यूएस, फिर कनाडा, भारत, फिर जर्मनी, मतलब डी प्रश्न का सही जवाब है, पहले अमेरिका है, अमेरिका के बाद कनाडा है, फिर भारत, फिर जर्मनी, क्योंकि जहाँ पे अमेरिका पहले मिल जाए वही आपका उत्तर सही है, अमेरिका भी सबसे ज़्यादा है, कहीं कहीं अमेरिका के बाद भारत भी आता है पहला और दूसरा, लेकिन अभी विकल्प के आधार पर देखा जाए तो चौथा इसका सही उत्तर है। कितनी मेहनत करके पढ़ा लिया जाए लेकिन आप लोग की संख्या वृद्धि नहीं होनी है, तो कभी कभी लगता है खुद से यार कि कितना भी मेहनत आप लोग के लिए कर लिया जाए। विश्व में यूरेनियम का भंडार, बृहत्तम भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका में, तो देखा जाए विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार क्या है, इसका उत्तर 31% है लगभग, भंडार उत्पादन, देखिए अगर भंडार में पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब होगा, लेकिन उत्पादन में क्या होगा कमेंट करके जवाब दीजिएगा, ठीक है। जितने लोगों ने जवाब दिया है उत्पादन में क्या है और भंडार में ऑस्ट्रेलिया है, लगभग 31% है। निम्नलिखित देशों में कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, गिनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जमैका, देखिए बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क लिख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है क्योंकि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये जानते रहिएगा, एल्युमिनियम, अयस्क है, ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है, और एल्युमिनियम की लगभग 55-65% तक है विश्व के 4 देशों में, अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा ये आपको ऑस्ट्रेलिया मिलता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर गुयाना में बॉक्साइट, तीसरे पर ब्राज़ील, चौथे पर देखा जाए उत्पादन में जमैका, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका बी सही और राइट है, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब है, क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ पे उत्पादन पूछा है, भंडारण नहीं। निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में से किसने उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है, निम्नलिखित प्रजाति वर्ग में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है, ऑस्ट्रिक, काकेसाइड, मंगोलाइड, निग्राइड। ये विश्व भूगोल की सीरीज एक अच्छा 12 के एनसीईआरटी में होगा, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी में, अगर आपने 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ी हुई ठीक है, एनसीईआरटी भूगोल की नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या दुर्गेश सर सर्च करके आप लोग ई लर्निंग पर दुर्गेश पर जुड़ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी है उन्हें अमेरिकी इंडियन कहते हैं, क्या कहते हैं, अमेरिकी इंडियन कहते हैं, और ये मंगोलॉयड प्रजाति से, किससे हैं, मंगोलॉयड से हैं, किससे हैं, मंगोलॉयड, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी, सी वालों का जवाब पूरी तरह से सही है, क्लियर।
कोई डाउट किसी को? अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ उद्योग है, एक तरफ स्थान है, कागज उद्योग ये, और इंटीरियर सही है, सूती वस्त्र उद्योग ये कहाँ पे है? सूती वस्त्र उद्योग डेट्रायड दिया ना, नहीं डेट्रायड तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए नहीं है, सूती वस्त्र के लिए ओसाका है। रासायनिक के लिए टेक्सास, मोटर कार के नगोया। डेट्रायड जो है कार उद्योग के लिए, डेट्रायड जो है वो कार उद्योग के लिए है, मतलब मोटर गाड़ी के लिए है, ठीक है। ओसाका कोवे सूती वस्त्र से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी, जो गलत है वही सही, क्योंकि प्रश्न में पूछा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। ये आज पोल ओल नहीं है, आज केवल क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि आज हमारे सर ने बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, लेकिन फिर भी आपकी क्लासेस थी, दो क्लासेस थी तो हमने ले लिया, क्योंकि सीरीज टूटने ना पाए, क्योंकि आप लोग इंतजार करते हैं घड़ी का, कब घड़ी सारा करें आपके क्लास के टाइमिंग का, इसलिए मैं आपके लिए लाइव आ गया, वरना ऐसे पढ़ाना होता तो शायद ना पढ़ाता। चलते अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे एक तरफ नदियाँ हैं, दूसरी तरफ बांध हैं, ग्रैंड कुली, कोलंबिया, हूवर, टेनेसी, न्यूरेक बक्स, काकोहरा, काबोरा वाशा। अगर ग्रैंड कुली की बात करें कि ग्रैंड कुली कहाँ पर है, तो यहाँ पर ये बताना है कौन सुमिलित नहीं है, तीन है। तो जो ग्रैंड कुली है ये कोलंबिया नदी पर है, न्यूरेक बक्स पर है, काकोहरा या काबोरा वाशा जम्बेजी नदी पर है। हूवर, जो हूवर है ये किस नदी पर है? ये कोलोरेडो नदी पर है, हूवर जो है ये कोलोरेडो नदी पर है। यूएसए की एक नदी है, इस पर जो बांध बने हैं, टेनेसी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, टेनेसी, अगर टेनेसी नदी पूछता इस पर कौन कौन से बने हैं, तो इस पर होता, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, चिकमांगा होता, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, चिकमांगा ये बांध है, ठीक है। फीलर होता, इस पर बने बांध है, नोरिस होता, ये टेनिस नदी पर बना बांध है, विल्सन होता, ये टेनिस नदी पर बना बांध है, लेकिन हूवर नदी जो हूवर बांध है ये कोलोरेडो बना है, कोलोरेडो पर जो बना है डेविस है, डेविस बांध है, पाकेर बांध है, बोल्डर है, हूवर है, हूवर के अलावा कौन कौन सा है? डेविस है, लिख लीजिएगा, हो सकता है पुल दे, पाकेर है, ये बांध है, पाकेर बांध कोलोरेडो नदी पर है, ये बोल्डर है, ये बोल्डर बांध है, ये बांध है, हूवर बांध है, ये सब कोलोरेडो नदी पर है, ये यूएसए में है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? बी, जो गलत है वही आपका सही है, जो गलत है वही सही, क्योंकि मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। सारी क्लासेस चलती हैं, आप लोग गिलनी बुद्ध से जुड़े रहिए, सभी क्लासेस लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलती है। चलिए अगला सवाल, भारत के निम्न जिलों में कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। यहाँ पे दिया गया झील, अब पूछा कौन सा भारत में है, बताइए सभी लोग। सभी लोग बताइए। देखिए, अगर कोलोरेडो झील की बात पूछेगा तो ये एपी आंध्र प्रदेश में है। अंचार झील अगर पूछेगा कहाँ पे? हमीरर झील जो है ये गुजरात में है। अंचार झील जो है ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। इसलिए पूछा कौन सा है? जम्मू कश्मीर का। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। अब बताइए फुलझर झील कहाँ पर है? फुलझर झील है कि नहीं है? अगर है भारत में कहाँ पर है? फुलझर अगर कोई झील है तो कहाँ पर है? कोलोरेडो झील आंध्र प्रदेश, अंचार झील जम्मू कश्मीर, हमीर सर झील गुजरात में, ठीक। आप लोग जवाब देना है, कमेंट सेक्शन आपके सामने खुला हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश तांबे का बृहत्तम उत्पादक रहा है? तांबे का बृहत्तम उत्पादक रहा है, बताइए जल्दी से। देखिए, अगर विश्व में देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल से जो है, प्रागैतिहासिक
ऐतिहासिक काल से ही तांबे का प्रयोग करते हैं। आपको पता होगा तांबे का प्रयोग मानव करता है, मानव या मनुष्य। लेकिन यहाँ पर ये पूछा है कि बृहत्तम उत्पादक कौन सा है, तो यहाँ पर है चिली। विश्व में तांबा उत्पादक में चिली है, चीन दूसरे पर है, तीसरे पर पेरू है। ठीक है, पहले पर चिली है, मतलब इस प्रश्न का उत्तर साफ है, इस प्रश्न का उत्तर सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न राज्यों में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है। टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है, देखिए उत्पादन में भंडारण में अंतर होता है। जैसे कुछ लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, खर्चा नहीं करते, कुछ लोगों के पास कम पैसा होता है, खर्च जितना आता है उतना खर्चा कर देते हैं। तो यही पे ये समझिएगा, एक भंडारण होता है और एक उत्पादक होता है, दोनों में अंतर होता है। भारत में टीन अयस्क का उत्पादन करने वाला जो राज्य है, प्रमुख राज्य, छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब है। इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आज का आखिरी प्रश्न होगा, जी हाँ, ये आज का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आप लोगों ने बहुत साथ दिया उसके लिए थैंक यू, लोगों तक वीडियो आपने शेयर किया, लाइक किया, आप सबको ढेर सारा थैंक यू। देखिए यहाँ पे आज का आखिरी सवाल है। ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंध में कोई जानकारी चाहिए लर्निंग पे दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर जानकारी ले लीजिएगा। कोई एकल किताब अपने लिए बेस्ट नहीं होती, एक किताब आप पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस प्रकार कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता, किताबें भी नहीं पूर्ण होती, हमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, हमें भी पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। हम मेहनत कर लेते हैं तब हम आपके लिए पढ़ा पाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन हम पढ़ लिए, एक दिन की कमाई है। मेरा UPSC IAS ऑप्शनल सब्जेक्ट रहे हैं ज्योग्राफी, इसलिए ज्योग्राफी की थोड़ा सा डीप नॉलेज है मुझे ज़्यादा। ज्योग्राफी हुआ, मॉडर्न इंडिया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ और इकोनॉमिक्स हुआ आपका। साइंस बहुत अच्छी पकड़ नहीं है मेरी, जितनी अच्छी मेरे इन ज्योग्राफी पे है, इकोनॉमी पे है, पॉलिटी पे है, मॉडर्न इंडिया पे है। चलिए, किनकी यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है, तो जो किनकी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? किनकी जापान में, कैंटन चीन में। ये नोट्स आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। लॉरेन फ्रांस, बेलो होरिजॉन्टले ब्राज़ील। इसलिए आज की सीरीज यहाँ पे समाप्त होती है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाकी क्लास के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। ये विश्व भूगोल की जो NCERT सीरीज चल रही थी उसकी महाभारत सीरीज थी आपके लिए। हमने ये प्रयास किया कि NCERT के हर उस कोने से प्रश्न आपके लिए लेकर आना जहाँ से आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप लोग अपना जुड़े रहिएगा। बाय बाय। बाकी क्लास के लिए अब जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम सभी लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम पे दुर्गेश सर के नाम से है, और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऑफिस का ही है। एज ए गेस्ट के रूप में मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। चलते हैं तब, बाय बाय। यहाँ पे चैट मत किया करिए, आप लोग पढ़ने आते हैं, पढ़ा करिए आराम से, सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी करनी है। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।